हेलो फ्रेंड्स, आज हम प्राइम नंबर का प्रोग्राम देखने वाले हैं। तो पहले प्राइम नंबर होता क्या है ये देखेंगे, बाद में उसका कोडिंग करेंगे और अलग अलग लॉजिक से ऑप्टिमाइज कैसे कर पाएंगे हम उस प्राइम नंबर के प्रोग्राम को, वो भी देखेंगे। तो प्राइम नंबर क्या होता है, सपोज 7 इज अ प्राइम नंबर, वो प्राइम क्यों है उसकी डेफिनेशन। तो नंबर को अगर 1 और उसी नंबर से, मतलब 7 से, 1 से और 7 से, उसी नंबर से अगर डिवीजन होती है तो हम उसे बोलते हैं प्राइम नंबर। अगर हम 8 कंसिडर करें तो 8 को 1 से डिवीजन होती है, 8 से डिवीजन होगी, हर नंबर को उस नंबर से और 1 से डिवीजन परफॉर्म होती है। लेकिन ये दो नंबर छोड़ के 2 से भी डिवीजन होती है, 4 से भी डिवीजन होती है, तो 8 ए प्राइम नंबर नहीं है। हम दूसरा एग्जांपल कंसिडर करेंगे, सपोज 13 ए प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि उसे 1 और 13 से ही डिवीजन परफॉर्म होती है, दूसरा कोई नंबर 13 को डिवाइड नहीं कर पाता। तो 13 ये प्राइम है, 8 प्राइम नहीं है। इससे आपको समझ में आया होगा कि हमें चेक क्या करना है, अगर यूजर ने हमें नंबर इनपुट दिया होगा तो उस नंबर के फैक्टर चेक करने होंगे। पहला लॉजिक, उस नंबर के फैक्टर्स अगर सिर्फ दो ही होंगे, उस नंबर के फैक्टर्स अगर सिर्फ दो ही होंगे तो वो प्राइम नंबर है, ठीक है। दूसरा लॉजिक, अगर हम ये दो नंबर छोड़ेंगे, ये दो नंबर अगर हम कंसिडर नहीं करेंगे तो दूसरे कोई भी फैक्टर्स हमें नहीं मिलेंगे। मतलब उल्टा लॉजिक हमने इस्तेमाल किया, दो नंबर से हर एक नंबर को डिवीजन परफॉर्म होने वाली है, कंफर्म होने वाली है, लेकिन वो दो नंबर छोड़ के बाकी कौन से नंबर है जिससे वो डिवीजन परफॉर्म हो पाएगी, तो वो हम चेक कर पाएंगे। जैसे कि यहाँ पे 2 और 4, यहाँ पे काउंटर हमें मिलेगा 2, अगर यहाँ पे चेक करेंगे तो हमें डिवीजन कोई नंबर ऐसा नहीं है जो 13 को डिवाइड कर पाए, इसके लिए यहाँ पे हमें काउंटर मिलेगा 0। तो ये दूसरा लॉजिक है। अभी इसी लॉजिक में हम कैसे ऑप्टिमाइज प्रोग्राम लिख पाएंगे वो हमें इस वीडियो में चेक करना है। तो चलिए हम प्रोग्राम के लिए शुरुआत करते हैं। तो मैं मेन से प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूं। मेन, हमें यूजर से एक नंबर रीड करना है, उसके लिए इंट एन एक वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हमें लूप वेरिएबल लगेगा, जैसे वेरिएबल्स हम यूज करेंगे इस्तेमाल करेंगे वैसे हम डिक्लेयर करते जाएंगे। यूजर को हमें पहले पूछना है, बताना है नंबर एंटर करने के लिए, तो प्रिंट एफ एंटर नंबर, हम वो नंबर रीड करेंगे स्कैन एफ से, स्कैन एफ परसेंट डी, क्योंकि वो डेसिमल नंबर है, यहाँ पे आप परसेंट आई भी इस्तेमाल कर सकते हो फॉर इंटीजर। M% N में हमने एक नंबर रीड किया, उसके बाद वो नंबर प्राइम है या नहीं इसके लिए मुझे लूप इटरेटर इस्तेमाल करना होगा, उसके लिए मैं फॉर लूप इटरेट कर रहा हूं। तो फॉर आई इज इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू N, I++। तो पहले हम वर्स्ट केस का लॉजिक देखेंगे, उसके बाद बेस्ट केस मैं डिस्कस करने वाला हूं आपके साथ, लास्ट तक आप वीडियो देखिएगा। I equal to 1, I is less than equal to n, I++ हमने लिखा है, तो I वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया, इसके लिए मुझे वो I यहाँ पे डिक्लेयर करना होगा। हमें चेक करना है कि दिया हुआ नंबर 1 से लेकर n तक कितने नंबर से डिवाइड हो पाता है, हमें वो चेक करना है। उसके लिए हम मॉड कंडीशन चेक करेंगे यहाँ पे, इफ n मॉड I इज इक्वल 0 अगर आता है तो हम यहाँ पे एक काउंटर वेरिएबल लेंगे, उसका इंक्रीमेंट करेंगे। तो काउंटर वेरिएबल हमने यहाँ पे यूज किया है, तो काउंटर वेरिएबल यहाँ पे मैं 0 सेट करके डिक्लेयर कर देता हूं। हम बाद में इसका पूरा ट्रेसिंग करने ही वाले हैं। ये पूरा लूप इटरेट होने के बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे, अगर काउंटर में सिर्फ 2 ही वैल्यू है, मतलब इफ काउंटर इज इक्वल टू, मतलब 2 दो ही अगर काउंटर आया है, उसका मीनिंग क्या है, सपोज 7 हमने नंबर कंसिडर किया, तो 7 को सिर्फ 1 और 7 से ही डिवीजन परफॉर्म होते हैं, मतलब हमें काउंटर मिलेगा 2, तो 2 अगर काउंटर आया तो नंबर वो प्राइम है। अगर मैं नंबर कंसीडर करता 9, तो 9 के लिए हमें 1 फैक्टर मिलने वाला है, 3 फैक्टर मिलने वाला है और 9, ये हमें 3 काउंटर्स मिलेंगे यहाँ पे। अगर काउंटर 2 है तब भी वो प्राइम है, अभी यहाँ पे हमें 9 के लिए 3 काउंटर्स मिले, तो उसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे प्रिंट एफ Given number is prime.
अगर काउंटर ग्रेटर देन 2 मिलता है, जो भी हमने 9 की केस देखी, तो उसके केस में हमें यहाँ पे लिखना होगा प्रिंट एफ गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, हमें यहां पे चेक, और बाद में हम ये मेन क्लोज कर देते हैं। तो ये प्रोग्राम हमने लिखा, प्रोग्राम लिखने के बाद हमें वो ट्रेस करना है। ट्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। जब तक आप प्रोग्राम ट्रेस नहीं करोगे तब तक लॉजिक आपका डेवलप नहीं हो पाएगा। ट्रेसिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो हम ये प्रोग्राम हमने जो भी लिखा है वो हम ट्रेस करेंगे, देखते हैं डिफरेंट इनपुट के लिए हमारा ये प्रोग्राम वर्क करता है नहीं करता है। तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद क्या मेमोरी में चेंजेस होंगे? सपोज ये मेमोरी है, इस मेमोरी में डिफरेंट लोकेशंस है, हमें डायनेमिकली हमारा मेमोरी मैनेजर डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस के एड्रेसेस सेंड करता है, वो एड्रेसेस इस वेरिएबल नेम को हम असाइन कर पाते हैं। कंसिडर करो एक वेरिएबल को एड्रेस मिला है मुझे, सपोज आई के लिए ये मेमोरी लोकेशन मिला है, उसके बाद ये एन के लिए मिला है, और ये हमें कंसिडर करना है कि वो काउंटर के लिए मिला है। तो डिफरेंट मेमोरी लोकेशंस रैम में हमें मिल गए। काउंटर में हमने इनिशियली जीरो वैल्यू सेट की है, वो जीरो वैल्यू हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहे हैं। उसके बाद ये लाइन एग्जीक्यूट होने के बाद मेमोरी में ये चेंजेस हुए, यहाँ पे मेमोरी में हमें काउंटर एन और आई के लिए यहाँ पे स्पेस मिल गया। तो उसके बाद एंटर नंबर करने के बाद यूजर पड़ेगा एंटर नंबर, मतलब उसे समझ में आएगा कि कंप्यूटर बोल रहा है नंबर एंटर करने के लिए, तो नंबर एंटर करेगा। एंटर किया हुआ नंबर हम किस में स्टोर कर रहे हैं? एन। तो एन में सपोज कंसिडर करो यूजर ने दी वैल्यू 7 है, तो 7 हमें चेक करना है ये प्राइम है या नहीं है। तो उसके लिए हम फॉर लूप यूज कर रहे हैं। तो फॉर में फॉर आई इक्वल टू 1, आई में 1 वैल्यू हमने इनिशियलाइज की है। आई में वैल्यू इनिशियलाइज होने के बाद आई इज लेस देन इक्वल टू एन, हम कंडीशन चेक कर रहे हैं। आई में वैल्यू क्या है, कंडीशन क्या है? आई इज लेस देन इक्वल टू एन, आई में वैल्यू है 1, लेस देन इक्वल टू एन, एन की वैल्यू कितनी है 7, ये कंडीशन ट्रू है। अगर यहां पे कंडीशन ट्रू है तो हम लूप के अंदर चले जाएंगे। अगर कंडीशन ट्रू है तो लूप के अंदर क्या हम चेक करें, एन मॉड आई मतलब हमें रिमाइंडर निकालना है। उसके लिए कंसिडर करो ये मैंने एक नंबर 7 हमने ले ही लिया है, 7 नंबर आई मतलब 1 से डिविजन परफॉर्म कर रहे हैं, 1 7 7 रिमाइंडर मिला 0। तो 0 यहां पे आंसर मिला एन मॉड आई का, मतलब 7 मॉड 1 का रिमाइंडर आंसर मिला 0। 0 इक्वल टू 0 है, कंडीशन ट्रू है। इसके लिए हम इफ के अंदर चले जाएंगे, यहाँ पे काउंटर प्लस प्लस होगा। काउंटर क्या लिखा हमने यहाँ पे 0, तो 0 का प्लस प्लस करने के बाद हमें यहाँ पे मिला 1। इफ क्लोज आई प्लस प्लस के लिए हम यहाँ पे जंप करेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर लूप में हमने स्टेटमेंट लिखे एक ही लाइन पे, लेकिन एग्जीक्यूशन अलग अलग टाइम पे होता है। आई इक्वल टू 1, आई इज लेस देन इक्वल टू एन चेक करने के बाद यहाँ पे हमने एंटर किया था फॉर लूप के अंदर। बाद में ये फॉर लूप का ब्रैकेट क्लोज हो जाने के बाद आई प्लस प्लस हो रहा है। एक ही लाइन पे लिखने के बाद भी ये एग्जीक्यूशन अलग अलग टाइम पे होता है, ये ध्यान में रखिएगा आप। एग्जीक्यूशन यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ तो आई की वैल्यू यहाँ पे 2 हो गई। फिर से यहाँ पे हम कंडीशन चेक करें, कंडीशन क्या, आई इज लेस देन इक्वल टू 1, यहाँ पे लिखा हमने आई की वैल्यू अभी 2 है, 2 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो अंदर जाएंगे फिर से एन मॉड आई, एन की वैल्यू हम यहाँ पे अबे एन की वैल्यू 7 है, एन की वैल्यू 7 है, आई की वैल्यू 2 है, आई की वैल्यू 2 है, तो 2 3 6 रिमाइंडर मिला 1। तो यहां इसका रिजल्ट हमें मिल रहा है 1 इक्वल 0 है, नहीं कंडीशन फॉल्स है। इसके लिए हम अंदर जाएंगे, नहीं जाएंगे, तो आई प्लस प्लस फिर से होगा, आई की वैल्यू होगी 3। फिर से कंडीशन 3 होने के बाद फिर से कंडीशन 3 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन ट्रू है। अंदर जा, अंदर चेक करो 3 2 6 रिमाइंडर 1, 1 इक्वल 0 कंडीशन फॉल्स है, अंदर नहीं जाएंगे। फिर से आई प्लस प्लस, आई की वैल्यू हो जाएगी 4, फिर से 4 इज लेस देन इक्वल टू 7, कंडीशन हो जाएगी ट्रू, तो ट्रू है। फिर से अंदर जाएंगे, 4 से डिविजन परफॉर्म करनी है, 4 1 4 रिमाइंडर आया 3 3 इक्वल 0 एक कंडीशन फॉल्स है। फिर से आई प्लस प्लस होगा, आई की वैल्यू होगी 5, इसी तरह से आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, इसी तरह से आई की वैल्यू 7 हो जाएगी। तो 5 और 6 यहां पे हम एन ए दो स्टेप्स हमने स्किप किए, करने के बाद हमने 7 इज लेस देन इक्वल टू 7
लेस देन इक्वल टू की कंडीशन है, मतलब 7 इक्वल टू 7 कंडीशन ट्रू है। अगर ये कंडीशन ट्रू है तो अंदर फिर से जाएंगे हम, हमें 7 से डिवाइड करना है 7 वजह 7, रिमाइंडर मिला 0, तो 0 इक्वल टू 0 कंडीशन ट्रू है, हम काउंटर प्लस प्लस करेंगे, मतलब काउंटर में वैल्यू थी 1 वो हो गई 2, फिर से आई प्लस प्लस आई की वैल्यू हो जाएगी 8, तो यहां पे कंडीशन 8 इज लेस देन इक्वल टू 7 कंडीशन ये फॉल्स है। कंडीशन फॉल्स हो जाने के बाद हम फॉर के अंदर नहीं जाएंगे, फॉर का क्लोजिंग ब्रैकेट उसकी इमीडिएट नेक्स्ट स्टेटमेंट जो होगा वो हम एग्जीक्यूट करेंगे, फिर मतलब हमें चेक करना है काउंटर इज इक्वल इक्वल टू, काउंटर में वैल्यू क्या है 2 है, मतलब 2 इक्वल इक्वल टू कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो हम बोलेंगे गिवन नंबर इज प्राइम, मतलब 7 ए नंबर प्राइम है। अगर हम 7 नहीं देते, हम अगर 8 देते तो क्या होता, 8 के लिए फैक्टर्स कितने आते, 1 आता, 2 आता, 4 और 8, 4 फैक्टर्स आते, उस केस में यहां पे काउंटर आता हमारा 4, 4 इक्वल इक्वल टू कंडीशन फॉल्स होती और हम एल्स में जाके गिवन नंबर इज नॉट प्राइम ये मैसेज डिस्प्ले करते। तो दोस्तों ये था बेसिक लॉजिक, और ये वर्स्ट लॉजिक है, क्यों वर्स्ट लॉजिक में बताता हूं आपको। अगर मैं नंबर आपको दूंगा कि 120 हमें चेक करना है प्राइम है या नहीं, तो उसके लिए आपको कंडीशंस कितने चेक करने पड़ेगी, इस फॉर लूप से आपको 121 कंडीशन चेक करने पड़ेगी। यहां पे देखो हमने नंबर दिया था 7, कंडीशंस कितनी चेक की 8 इज लेस देन इक्वल टू 7, तो हमने कंडीशन चेक की है 8। अगर मैं नंबर आपको देता हूं 10,000 तो आपको 10,000 वन टाइम चेकिंग करना पड़ेगा, लेकिन उतनी चेकिंग करने की जरूरत है या नहीं ये पहले सोच लो। ये आपका 100% करेक्ट प्रोग्राम है लेकिन ये ऑप्टिमाइज नहीं है। अगर ऑप्टिमाइज प्रोग्रामिंग आपको करना है तो आपको सोचना पड़ेगा इसमें मिनिमम इटरेशंस में आप प्रोग्राम का आउटपुट कैसे दे पाओगे। तो उसका लॉजिक मैं आपको यहां पे बताता हूं। अगर नंबर डिविजिबल है तो वो नंबर मैक्सिमम हाफ रेंज तक ही डिविजिबल होता है, मतलब आप कंसिडर करोगे 10 है, 10 को मैक्सिमम डिवीजन कहां तक होती है 5 तक होती है, 100 है, 100 को मैक्सिमम डिवीजन कहां तक होती है 50 तक ही होती है, 51 से 100 को डिवीजन परफॉर्म होने वाली नहीं है। कीपिंग इन माइंड आपको चेक करना है n by 2 तक ही, n तक जाने की जरूरत नहीं, लेकिन अगर आप n by 2 तक जाओगे तो यहां पे आप जो भी कंडीशन लिख रहे हो वो कंडीशन आपको चेंज करनी पड़ेगी। क्यों, क्योंकि हम लास्ट नंबर चेक करने वाले नहीं है, मतलब हमने 120 दिया तो 120 तक डिवीजन परफॉर्म करने वाले नहीं है, हम कहां तक डिवीजन परफॉर्म करके देखेंगे 60 तक, तो हमें 60 इटरेशंस ही लगेंगे, और 61 टाइम जब भी हम 61 से डिवीजन परफॉर्म करेंगे तब चेकिंग करेंगे तब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, हम लूप के बाहर आएंगे, तब उस टाइम हमें यहां पे काउंटर चेक करते समय सिर्फ 1 का ही चेकिंग करना होगा। तो ये लॉजिक हो सकता है। और दूसरा ऑप्टिमाइज लॉजिक, मैं 1 से उस नंबर तक यहां पे जा रहा था क्योंकि या फिर 1 से उस हाफ रेंज तक मैं जा रहा था, वो भी जाने की जरूरत नहीं, क्यों, क्योंकि 1 से और उस नंबर से डिवीजन परफॉर्म होने वाली है ही, फिर 1 भी मैं एलिमिनेट करूंगा, मतलब यहां पे मैं 2 से अगर स्टार्टिंग करूंगा और n बाय 2 तक जाऊंगा, तो अगर यहां पे हमने 7 नंबर कंसिडर किया है तो इस केस में डिवीजन हम 2 and 3 से ही परफॉर्म करेंगे, दो ही चेकिंग होगी 2 और 3, 4 के लिए चेकिंग होगा, 4 इज लेस देन इक्वल टू n बाय 2 कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, उसके बाद हम बाहर आएंगे, तो हमें सिर्फ दो ही चेकिंग करनी पड़ेगी यहां पे। तो ये लूप आपको मिनिमम इटरेशंस दे पाएंगे। यहां पे अगर मैंने 120 लिया तो 120 के लिए मुझे 39 कंडीशंस ही चेक करनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि 2 से लेके 61 तक ही चेकिंग होगी, ठीक है। तो एक दूसरा लॉजिक था, आप ट्रेसिंग करके देख लो बाद में पूरा, मैं जो भी बोल रहा हूं वो ट्रेसिंग करके आप चेक कर लो। अगर मैं कहूं कि ये भी लॉजिक बेस्ट लॉजिक नहीं है, फिर कौन सा लॉजिक बेस्ट है, तो मैं आपको ये बताने वाला हूं कि अगर जो भी नंबर हमने कंसीडर किया, सपोज 8 कंसीडर किया, हमें मालूम है हम लूप कहां से इटरेट करें, अभी 2 से हाफ रेंज तक, मतलब 4 तक, तो हमें डिवीजन 2 से भी परफॉर्म करके चेक करना है, 3 से भी परफॉर्म करके चेक करना है, 4 से भी परफॉर्म करके चेक करना है, जरूरत है तो नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर 2 से डिवीजन परफॉर्म होती है तो उसका मतलब 1 और वो खुद नंबर छोड़ के किसी अलग नंबर से डिवीजन परफॉर्म हो रही है, तो या दैट मींस वो नंबर प्राइम नहीं है। वहीं पे आप डिक्लेयर कर सकते हो कि वो नंबर प्राइम नहीं है। अगर वो नंबर प्राइम होता तो हम
हाफ रेंज के प्लस वन तक जाते, मतलब अगर हमारा नंबर 8 है तो हम हमारा इटरेटर 5 तक जाता बराबर, लेकिन हम वहां तक जाने वाले नहीं है। क्यों नहीं? क्योंकि 2 से डिवीजन परफॉर्म हो रही है, हम वहीं पे लूप ब्रेक करेंगे। अभी ब्रेक कैसे करते हो मैं आपको बताता हूं। अगर यहां पे मैंने नंबर कंसिडर किया 8, तो 2 से स्टार्ट करें हम, n बाय 2 तक जाना है, तो कंडीशन हमारी यहां पे कैसे आएगी? मैं फिर से यहां पे लिया नहीं, मुझे काउंटर की जरूरत भी नहीं होगी, हम फिर से सिर्फ आई पे ही चेकिंग करने वाले हैं। आप एक मेमोरी लोकेशन आप रिमूव भी कर सकते हो, कि मैं यहां पे चेंजेस नहीं कर रहा हूं। अभी यहां पे मुझे चेक करना है, हमें नंबर सपोज 8 मिला है और आए 2 से स्टार्ट करें हम, तो 2 इज लेस देन इक्वल टू n बाय 2 तक जाना है, n बाय 2 हमने लिखा है यहां पे, मतलब 8 बाय 2 यहां पे 4 तक जाना है, तो ये कंडीशन ट्रू है। अंदर जाने के बाद हम चेक करेंगे n मॉड i, n का रिजल्ट n मतलब 8 मॉड 2 इक्वल टू 0 आता है। 8 को 2 से हम डिवीजन परफॉर्म कर रहे हैं, 2 4 आर 8, रिमाइंडर मिला 0। अगर 0 मिल रहा है तो हम यहां पे काउंटर वगैरह लेंगे नहीं, हम सिंपली यहां पे ब्रेक करेंगे। ब्रेक क्या करता है? नियरेस्ट लूप जो भी है, नियरेस्ट ब्लॉक जो भी है, वहां से हम बाहर आ पाते हैं। बाहर आए मतलब यहां पे ब्लॉक क्लोज हुआ उसके बाहर, मतलब हम फिर से इटरेशन करके नहीं बैठेंगे। 3 से डिवीजन परफॉर्म करने की जरूरत है नहीं है, क्योंकि 2 से डिवीजन परफॉर्म हुई है वो नंबर, और 1 से छोड़ के दूसरे किसी भी नंबर से अगर डिवीजन परफॉर्म हो तो प्राइम होता ही है, तो हर एक नंबर पे चेकिंग करने की जरूरत है ही नहीं, इसके लिए हमने ब्रेक किया। मतलब बेस्ट लॉजिक आपको यह देगा, क्योंकि यहां पे एक ही इटरेशन में आपको 8 प्राइम है या नहीं मिल रहा है तो, लेकिन यहां पे आपको चेकिंग अलग से करनी होगी। अगर i की वैल्यू ग्रेटर देन n बाय 2 होगी, मतलब हम 5 तक जाते 8 के लिए, तब गिवन नंबर इज प्राइम होता। लेकिन i की वैल्यू अभी कितनी है? i की वैल्यू 2 है, 2 इज ग्रेटर देन n बाय 2 मतलब 4, कंडीशन फॉल्स है, इसके लिए यहां पे हम गिवन नंबर इज नॉट प्राइम, मुझे 8 के लिए आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो 7 के लिए कैसा मिलेगा? ये आपको लॉजिक समझ में आया ही होगा। 7 के लिए सपोज यूजर ने 7 दिया है, तो 7 बाय 2 3.5 आता है, लेकिन हम चेकिंग के समय फ्रैक्शनल वैल्यू नहीं लेंगे, तो हम यहां पे 7 बाय 2 मतलब हम यहां पे लेंगे 3 तक ही चेक करना है। तो यहां पे कैसे करेंगे? फिर से i इक्वल टू 2, 2 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन 2 है। अंदर आने के बाद हम यहां पे देखेंगे n मॉड i, 7 मॉड 2 रिजल्ट आएगा 1, 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन फॉल्स हो जाएंगी, हम अंदर नहीं जाएंगे, i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू होगी 3, 3 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन होगी ट्रू। फिर से अंदर आएंगे 7 मॉड 3, रिजल्ट आएगा 1, 1 इक्वल इक्वल 0, कंडीशन होगी फॉल्स, इसके लिए हम अंदर नहीं जाएंगे। फिर से i प्लस प्लस होगा, i की वैल्यू होगी 4, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, 4 इज लेस देन इक्वल टू 3, कंडीशन हो जाएगी फॉल्स, उसके बाद हम बाहर आ जाएंगे। अभी यहां पे हमें चेक करना है i में वैल्यू कितनी है, 4, 4 इज ग्रेटर देन 3, n बाय 2, 7 बाय 2 मतलब 3 हम इंटीजर में कंसिडर करेंगे, 4 इज ग्रेटर देन 3, कंडीशन ट्रू है। कंडीशन ट्रू है मतलब क्या? दिया हुआ नंबर प्राइम है, गिवन नंबर इज प्राइम। तो दोस्तों हम यहां पे बेस्ट लॉजिक ब्रेक का हम इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहां पे मिनिमम इटरेशंस में आपका प्रोग्राम होने वाला है। अलग अलग लॉजिक है, लेकिन उसमें से आप ऑप्टिमाइज कौन सा लॉजिक इस्तेमाल करते हो, ये इससे आपकी पहचान होगी। अगर आप ऑप्टिमाइज लॉजिक लिख रहे हो, यहां पे मुझे काउंटर वेरिएबल नहीं लगेगा, मतलब मैंने 4 बाइट्स कंप्यूटर के बचाए, मैंने मेमोरी का यूटिलाइजेशन प्रॉपर किया, ऑप्टिमाइज यूटिलाइजेशन किया, मैंने टाइम कंप्यूटर का टाइम भी बचाया, क्योंकि पहला जो भी हमने लॉजिक देखा तो उसमें नंबर तक हम चेक कर रहे थे, मतलब मैंने अगर 1000 नंबर दिया होता तो 1001 टाइम चेक हो रहा था, इस केस में सिर्फ एक ही बार चेक होगा वो 2 से। तो दोस्तों ये था लॉजिक। अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना है तो मैं बार बार यही बता रहा हूं आपको, अगर आपको लॉजिक बिल्ड करना है तो आपको ट्रेसिंग सीखना होगा। अगर आप ट्रेसिंग सीखोगे तो आपको कौन सा भी प्रोग्राम डिफिकल्ट नहीं लगेगा। एक बार आपका लॉजिक सी प्रोग्रामिंग करते समय डेवलप हुआ तो आप पीएचपी में, .NET में, या फिर जावास्क्रिप्ट में, या फिर कौन से भी पाइथन में, कौन सी भी लैंग्वेज ले लो, लॉजिक रिमेन सेम। आपको यही वहां पे करना होता है, लेकिन सिर्फ सिंटैक्स चेंज होते हैं। तो लॉजिक पे आप फोकस करो। अगर लॉजिक डेवलप किए आप तो आपको कौन सी भी लैंग्वेज इजी लगेगी, कौन सी भी लैंग्वेज आपको हार्ड नहीं लगेगी, सभी लैंग्वेज आपको
इजी लगेगी। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि आपको ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलते जाए। थैंक यू।